नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। खरगोन जिले में बीते दिनों पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी थी, जिसमें हरदा जिले के डीआरपी लाइन में पदस्थ आरक्षक को अवैध हथियार का परिवहन करते पकड़ा गया था, जिसे कब्जे में लेकर पूछताछ के बाद धंधे में लिप्त आरोपियों को पता चला जिनसे अवैध हथियार बरामद हुए हैं। दरअसल मामला बीकन गांव थाना क्षेत्र का है, जहां हरदा जिले के आरक्षक रोहित यादव को पुलिस ने अवैध हथियार का परिवहन करते पकड़ा था। लिहाजा उक्त आरोपी से सघन पूछताछ के बाद पुलिस ने हरदा जिले से दो आरोपियों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें पिस्टल, देसी कट्टे सहित जिंदा कारतूस शामिल है। इस दौरान मीडिया से चर्चा में पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे ने बताया कि आरोपी से पूछताछ के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। वहीं अधिकारी ने यह भी बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है, जिसमें और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। एएसपी सुनील पांडे ने बताया कि अवैध हथियार के धंधे में लिप्त खाकी वर्दी का सरगना पुलिस गिरफ्त में आकर परत दर परत अपने गौरव धंधे का राज उजागर करते दिख रहा है। सर, आरक्षक द्वारा जो है अवैध हथियार की जो है ले जाने का मामला था, उसमें लेकर और कार्रवाई की गई, विशेष दल गठित किया था आपने, और उसमें जो ये पकड़ा गया था उसका पुलिस रिमांड लिया गया, उससे पूछताछ की गई, फिर उसने बताया कि हरदा में कुछ जगह पे उसने हथियार बेचे हैं। पुलिस टीम हरदा गई, हरदा पुलिस की मदद से वहाँ लोकल में दबिश थी, दो आरोपी और पकड़े गए हैं और इसमें चार पिस्टल, एक कट्टा और 62 राउंड ये बरामद हुए हैं। उसका भी और पुलिस रिमांड लिया गया है।